ये हमारा फर्स्ट लोग और ये मेरे दोस्त के चैनल हबीब अहमद के नेम से है। तो अभी जो है ना हम जाने वाले ने बच्चे से चीज़ ली है, पता नहीं क्या है, इसको ढोल के दे क्या कहते हैं। हाँ ना, ये किसकी है दे दो। तो हम अभी आ रहे हैं, वो बाइक निकलवाने गए हैं और इंशाल्लाह भी जाएंगे। अभी हमने भी तो कंफर्म नहीं किया कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन अभी डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह रास्ते में किधर जाते हैं। हमारे साथ हमें प्यार दिया और हमें मोहब्बत दिया और हमें एक यानी कि एक रिस्पॉन्स दिया, तो इंशाल्लाह हम फिर मजीद व्लॉग भी बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। कितने का पेट्रोल डाला, सच सच बताना। टैंकी अच्छा माशाल्लाह उतामा टैंकी फुल कर दी। कहा कि चलो माइक ले लेंगे अपने लिए, अगर अच्छा सा वो खोया माइक ले गया तो वो ले लेंगे। यार टायर पंचर हो गया, क्या कर रहे हो, हवा डाल रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ना हो कि टायर पट जाए। बस बस काफ़ी है, हमने सामान कायद आजम मजार, क्योंकि हमारे दोस्त नहीं पर है और कायद आजम मजार नहीं देखा है, तो उनको दिखाएंगे अंदर से बाहर से सब जगह से देख। हाँ कायद आजम की गाल या सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप सब लोग देख रहे हैं हमको कि क्या कर रहे हैं लोग। हमारी कराची की जो न्यू बस है तो अभी जो 2023 में लॉन्च हुई है ना, 2023 में जो लॉन्च हुई है वो हमारी वो बस है जो कि इस रोड पर चलना चाहिए था ना उसामा साहब। हाँ रोड पे बाहर चल रही है, पता नहीं यार क्या हो गया, ये तो बिल्कुल खाली है यार। हम कहाँ जाने वाले, कितना टाइम रह गया, 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सब हम बोल रहे हैं कि 15 मिनट में वापस तक पहुँच ग्रीन लाइट बस ये सबसे बड़ा बस है। हाँ कराची में सबसे सारा जो ये 14 अगस्त 6-7 दिन रह गए 14 अगस्त में। आज यार ये दूसरे रोड पे है क्योंकि पार्किंग उस तरफ है, अच्छा उस तरफ का जैसे मजा रहा है, मेन रोड है तो आराम से जाना पड़ेगा ताकि गाड़ियाँ वगैरह चल जाए। जी बिल्कुल। और ये सारी बाइक उसामा कायदे आज़म मज़ार की, वो ये कायदे आज़म मज़ार का पार्किंग है पूरा इतना बड़ा है। अच्छा तो कायदे आज़म मज़ार कितना बड़ा होगा अभी आप लोगों को दिखाएंगे, कोई इतना बड़ा है ना बताएंगे। तो चलो चलते हैं आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये हर टाइम इतना रश होता है या सिर्फ इतवार के दिन हम आ रहे हैं, इतवार के दिन कितना रश होता है, इतवार के दिन बहुत होता है। अच्छा अभी टिकट जाने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो रश गाइस, ये आप देख सकते हो कितनी लाइन है। अभी ये हमको मारनी पड़ेगी, ये आखिर में उस समय के मज़ार की तरफ जो हमारे कैद का मज़ार है उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ अभी कायदे आज़म साहब की जो बहन थी ना फातिमा जिना का ना, अभी उनकी बहन की जो खबर था उसे तो सस्ता शिकुमार कड़ा जा रहे कायदे आज़म। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कायदे आज़म कायदे आज़म मेरी जना की जो पर्सनल कार वगैरह थे, घर का जो कमरा वगैरह बेडशीट वगैरह अलमारी कुर्सी मतलब लाठी उसका वॉशरूम वगैरह सब सामान अंदर पड़े भी वहाँ पर जा रहे हैं। सही अंदर इंटर हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है। कायदे आज़म गाड़ी थी वो भी, ये पहले ही देखो ये कायदे आज़म जब छोटा बच्चा था ये इनके खिलौने। सही खबर है कायदे आज़म जी आपकी, पता नहीं यहाँ पर वो लेटर क्या है, ये देख ये ऐवान में तस्वीर बनाना मना। ओहो यहाँ पर तो कुछ और लिखा है, चलो यार सॉरी हमें पता नहीं था। अरे ये कायदे आज़म सबर ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पता नहीं क्या है, कुछ गिफ्ट किया है कुछ, ये उनकी वो है हमें पता नहीं। और ये भी आप देख सकते हो ये कायदे आज़म साहब की फोटो है और ये क्या है उनके चश्मे आई थिंक। और उसामा और कुछ दिखाओ ना। और ये ये जो पुराने दौर में जो लेटर देते थे ना वो ये आई थिंक ना ये कैलेंडर है क्या, कैलेंडर है। हाँ हाँ ये कैलेंडर है पुराना, ये यहाँ पे दिखाओ मोबाइल में दिखाओ मोबाइल का बोल। अच्छा ये देखो ये पुराने ज़माने का कैलेंडर है थी। और ये क्या है, ये भी घर में ये क्या है पीने के लिए। अच्छा ये पानी वानी पीने के लिए वो है ना। हाँ हाँ और ये क्या है लिखा होगा ना, ब्रॉन्ज फाउंटेन इन द फॉर्म ऑफ टू होल्डिंग ईच अदर
ये पता नहीं कुछ गिफ्ट होगा होंगे, हमें पता नहीं लेकिन। और ये माशाल्लाह से देखो, ये कदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कुर्सी वगैरह आई थी, ये उनका ऑफिस का वो टेबल वगैरह था। हाँ आई थिंक ये आप देख सकते हो, ये वो जो कुर्सी में ये बैठा हुआ है ना, ये वही कुर्सी है आई थिंक ना उसमा, वो सामने वाली है। हाँ हाँ ना वो वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ये देख इस चीज़ को देखो, तो वो ऊपर जो पिक्चर में लगाओ जाने बैठा हुआ, इसे सामने लगाओ। हाँ यहाँ पर बैठा था, सही है सही है, बिल्कुल। हाँ ये वो है ना पिक्चर, भी आप देख सकते हो कदी आजम के, ये सारे उनके पिक्चर है। तो ये किस किस से मिला है और कहाँ कहाँ गए थे, वो कौन? हाँ ये है तुलिया कतरी खान, क्या है वो नहीं? आजा आ जाओ। और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ है, ये देख सुनकर, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का ये पाकिस्तान है, नीचे इंडिया है, ये नीचे वो भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश अभी जो अलग हुआ है ये उस साइड का। और ये वो यार तगल लोग जो पहनते हैं, क्या कहते हैं उसके, और ये भी जो लगाते हैं। हाँ ये कदी आजम साहब की वो तस्वीरें वगैरह हैं सब कुछ। और यहाँ पर ये गले इसमें और इसमें लोग वो करते थे लेटर वगैरह। कदी आजम का बेडरूम है। अच्छा जी, वो कदी आजम की बीवी है, कदी आजम मोहम्मद अली साहब की बीवी है। नहीं कर सकते कदी आजम साहब के इस समा को नाम आते हो, समा नाम बताओ। ये वो है हाँ कार नहीं तो मुझे पता कार नहीं कर रही है तो है। देख सकते हो कदी आजम काम शेरा मोहतरमा शेरिन भाई, शेरिन भाई भाई भाई, ये घर में काम करते, ये एक चम्मच छुरी बैठा हुआ है, ये वही कुर्सियाँ है आई थिंक। और ये भी बहुत पुरानी हो चुकी है, कदी आजम गहरी सोच में। हाँ कदी आजम गहरी सोच में, बिल्कुल। और अभी आपको कदी आजम साहब की जो लिबास थी वो दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो कदी आजम। और ये कदी आजम मुंबई में बेस्ट है, कदी आजम के वन करम जना पुंजा, ये कदी आजम के फदर है जना पुंजा, ये भी कदी आजम साहब के लिबास है। और ये सारे और अब ये सारे कदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के वो शूज़ वगैरह हैं, ये सारे गाड़ी माशाल्लाह, ये कदी आजम साहब की गाड़ी है। आ जाओ ये गाड़ी बहुत अच्छी मिली है, हाँ होगा ना, ये चलती भी होगी या नहीं? हाँ ये दोस्तों देख सकते हो, ये कदी आजम साहब की गाड़ी थी,
और ये बहुत लंबी लंबी गाड़ी थी यार उस वक्त। ये दोनों का धर्म साहब के पास जो गाड़ी थी वो यहाँ का सब कुछ हमने आपको भी दिखा दिया, आपने भी देख लिया, अभी मोहम्मद जिन्ना साहब की जो हजार थी वो रह गई थी वो भी आप देख लो। सो दोस्तों कदी आजम मज़ार में काफ़ी कुछ देख लिया जो कि आपको भी दिखाया, और अभी बहुत थक चुके थे, घर जाने को दिल कर रहा था, तो यहाँ पर वीडियो की एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।